मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आज मां पीताम्बरा की रथ यात्रा इतिहास रचने जा रही है। इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए पूरी नगरी मां पीताम्बरा के स्वर्ण रंग में रंगी नजर आ रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मां पीताम्बरा की इस ऐतिहासिक रथ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं, ताकि जब माई का रथ भ्रमण के लिए निकले तब पूरा क्षेत्र माई के स्वर्ण रंग में रंगा नजर आए और माई प्रदेशवासियों को अपना आशीर्वाद बरसाए। इसी क्रम में वो पूरी तरह से मैदान में डटे हुए नजर आए। देखिए दतिया से एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दतिया का गौरव दिवस, माई की नगरी में रचेगा इतिहास, मां पीताम्बरा की निकलेगी रथ यात्रा, स्वर्ण रंग में रंगी दतिया नगरी, रथ यात्रा में बरसेगा माई का आशीर्वाद, भक्तों का उमड़ेगा सैलाब। गृह मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा, मैदान में डटे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। देश में दतिया की शक्तिपीठ मां पीताम्बरा की महिमा ही सबसे अलग और सबसे निराली है। यही वजह है कि दतिया नगरी में निकलने वाली रथ यात्रा के लिए पूरा क्षेत्र स्वर्ण रंग में रंगा नजर आ रहा है और मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया भी माई की नगरी में मौजूद है, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए पूरी तरह से मैदान में डटे हुए हैं। उनका मानना है कि अपने गृह क्षेत्र में रथ यात्रा का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। खास बात यह है कि दतिया में ओडिशा राज्य के पुरी में निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तरह कई परंपरा शुरू होने जा रही है, लिहाजा पूरा जिला एक अनुपम पल का साक्षी बनने के लिए आतुर नजर आ रहा है। वही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मां पीताम्बरा की रथ यात्रा को लेकर मंच और रूट का जायजा ले रहे हैं और भक्तों से इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए अपील भी कर रहे हैं। माई की ऐतिहासिक रथ यात्रा को माई की कृपा मानते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 4 मई से दतिया में नई परंपरा शुरू हो रही है और हम रहे या ना रहे यह परंपरा रहनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबा महाकाल की शाही सवारी निकालने की परंपरा है, उसी तरह माई की रथ यात्रा की परंपरा कायम होगी। कल जब हम नहीं होंगे तब भी यह परंपरा जारी रहेगी। आज दतिया दिवस माई का प्राकट्य दिवस, माई की कृपा दतिया पर बरसी, ये एक परंपरा की शुरुआत दतिया में हो रही है। हम रहे न रहे परंपरा रहती है। कभी किसी ने प्रारंभ की होगी भगवान जगन्नाथ की यात्रा, वो है नहीं है लेकिन परंपरा चल रही है आज भी रथ की। बाबा महाकाल की, भगवान की यात्रा जिसने भी प्रारंभ की होगी, वो है नहीं है ये अलग बात है, पर वो यात्रा चल रही है। हम रहेंगे न रहेंगे लेकिन ये यात्रा जो माई की प्रारंभ हुई है, हर साल तिथि के अनुसार ये निकलती रहेगी। यही माई के भक्तों ने, स्वामी जी के शिष्यों ने तय किया है। हम सब, हमने कहा है कि खूब बांधो बंधन वारे, माई पहुंच रही है द्वारे, और बंधन वारे बांध कर पूरा दतिया स्वागत को आतुर है। आप देख रहे हैं 2 दिन से पूरे दतिया के अंदर मेहमान आए हुए हैं। हर घर में ऐसा लग रहा है जैसे वैवाहिक कार्यक्रम है, मांगलिक उत्सव है, पूरा दतिया भरा हुआ है। और दतिया के लोगों ने भी दिल खोल के अगवानी की है, स्वागत किया है।
जो लोग कभी कहावतें कहा करते थे दतिया को बदनाम करने की, कि ऐठ दतिया में न फैट दतिया में, सज्जन सपूत से न भेंट दतिया में, वो आए और देखें किस तरह से दतिया रहना फ्री है, होटल फ्री है, लॉज फ्री है, वाटिकाएँ फ्री हैं, धर्मशाला फ्री है, भोजन फ्री है, नाश्ता फ्री है, चाय फ्री है, हर चीज़ फ्री दतिया वालों ने की है। उनने बताया है कि सज्जन और सपूत से दतिया में भेंट होती है, आइए स्वागत है आपका। और दतिया के लोग बंधन बार बांध के भक्तों का जो आए हुए हैं बाहर से उनका स्वागत कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही तैयारियों में जुटे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अलग ही अंदाज भी उस वक्त देखने को मिला जब वो माई का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों के बीच ही कुर्सी लगा कर बैठ गए और एक साधारण व्यक्ति की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि दतिया में इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए सभी होटल और लॉज में निशुल्क खाने व ठहरने की व्यवस्था मां पीताम्बरा के भक्तों के लिए की गई है। यानी भक्तों का सैलाब जब दतिया का रुख करेगा तब पूरा जिला एक इतिहास रचेगा और भक्तों को आस्था के मार्ग में सुविधाओं के साथ साथ मां पीताम्बरा का भरपूर आशीर्वाद भी मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, दतिया।